उत्तर भारत समेत देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी क्षोभ जो कि आज शाम या रात के दौरान पहाड़ी राज्यों में पहुंच जाएगा, जिसके चलते एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसी सिस्टम के असर से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा राज्य के भी उत्तरी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी हो सकती है। ये सिस्टम जब उत्तर भारत में एक्टिव होगा तो मध्य भारत के राज्यों में पश्चिम से हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में तापमान एक बार फिर से बढ़ने लग जाएंगे। पश्चिमी क्षोभ के चलते आज रात या शाम के दौरान से ही जम्मू कश्मीर राज्य के गिलगिटी, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद इन इलाकों में हल्की बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसी पश्चिमी क्षोभ के प्रभाव से 26 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पूंछ, राजौरी, मीरपुर, श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, जम्मू, उधमसिंह नगर, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, मीरपुर में बारिश और बर्फबारी होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य के भी धर्मशाला, कांगड़ा, शिमला, नाहन, सिरमौर, कुल्लू में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पंजाब राज्य में भी 26 फरवरी को दोपहर के बाद अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर, मोगा इन जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी उम्मीद है, तो कुछ भागों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत में 3 मार्च तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब राज्य के उत्तरी जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है। 3 मार्च तक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तथा मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की भी उम्मीद है। 26 फरवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ में बारिश होने की संभावना है। इसी दौरान 26 से लेकर 28 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। बारिश और हिमपात की तीव्रता जो कि 1 से लेकर 3 मार्च के बीच में बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। 1 और 2 मार्च के दौरान पंजाब और उत्तरी हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है।